नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं दोबारा से एक न्यू गेम के साथ GTA 5 मोबाइल। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे हथियार, गन वगैरह सब के स्किन एंड बहुत सारी गन देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके ग्राफिक्स भी मज़ेदार होने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार है एकदम। देख सकते हो आप GTA 5 जैसे आपको इसको खेलने में फीलिंग आएगी। जी हाँ गाइस, तो चलो यहाँ पर गेम लोडिंग हो रहा है और यहाँ पर वेट करते हैं। तो आ चुके हैं यहाँ पर गेम के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एकदम GTA 5 वाला गेम आ चुका है, तो आपको भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं लेकर आ चुका हूँ गेम। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा GTA 5 जैसा गेम है। यहाँ पर आप कैरेक्टर देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है, बट आपको खेलने में बहुत ही इन्जॉय और बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आपको मैप भी दिख जाएगा और इस मैप में आप कहीं भी जा सकते हो। यहाँ पर हेलीकॉप्टर एंड ट्रेन बाकी सब इसके अंदर अवेलेबल है और आप पुलिस वाले भी इसके अंदर है। जी हाँ गाइस, अगर पुलिस वाले नहीं हैं तो गेम को बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जैसे कि हम चलते हैं पहले तो पुलिस वाले के पास और आपको बताता हूँ कि पुलिस वाले इसके अंदर कितने डेंजरस हैं और वो किसी भी की रक्षा करते हैं। मतलब हेलीकॉप्टर मान लो या कोई भी मान लो चीज़। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर है पुलिस वाले, तो ये खड़े हैं। इसके अंदर किसकी रक्षा कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन बट मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर ले जाकर कि देखते हैं कि वाकई में इतने डेंजरस है पुलिस वाले। और मुझे तो ये गेम खेलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि इस गेम के ग्राफिक्स भी मज़ेदार हैं एंड बहुत सारे इसमें कार एंड बाइक्स भी देखने को मिल जाती है और फाइट भी करने को भी मज़ा आ जाता है। तो चलो यहाँ पर पहले तो हम पुलिस वाले को परेशान करेंगे, क्योंकि अगर गेम में अगर परेशान ना करें किसी चीज़ को तो मज़ा आने का कोई मतलब नहीं उठता। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं और मुझे इनको यहाँ पर कार अंदर हमने ले गए और यहाँ पर पुलिस वाले ने फाइट करना शुरू, मतलब गन को यूज़ करना हमारे ऊपर शुरू कर दिया और अटैक कर दिया काफ़ी डेंजरस। वो हो सकता है पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ गए, मुझे मैप के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि शायद हमारे पीछे आ रहे हों। और यहाँ पर मेरी टक्कर हो गई कार की, कार क्रैश हो गई, मुझे यहाँ से भागना होगा फिलहाल तो, क्योंकि पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ चुके हैं हाथ धोकर। और वो आगे देखो, मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ। तो यहाँ से मुझे भागना होगा, मेरी कार तो अभी टक्कर हो गई, यहाँ से लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एक गोलियाँ कितनी तेज, ओ घोट गया मैं तो, थोड़ी सी हेल्थ बची मेरी अभी तो, अगर थोड़ा और बचा तो वो मुझको डिफीट कर देते। तो यहाँ पर आगे ये कौन है, शायद लड़की है, चलो इससे कुछ बात करते हैं। ओ हेलो, और पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे यार इससे बात करना, फीलिंग ख़राब करना मतलब। ओ चल निकल, तू यहाँ से निकल निकल, भागी भागी, चलो निकलते हैं। तो यहाँ पर लड़की भी हमारे से डर रही है, उससे पता है कि ये कुछ कांड करके आया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर ये कौन जा रहा है, शायद बूढ़ा आदमी। चल कार वाले को रोकते हैं, चल निकलने दो यार इसे। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ये आदमी क्या करना चाह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीछे पुलिस वाले पड़ चुके हैं हमारे, तो यहाँ से निकलना होगा, भैंस की टांग भागूँ यहाँ से। अब कोई कार वाला भी नहीं आ रहा, नहीं तो कार लेकर निकल जाऊँगा बस इतना ही। और आगे शायद पुलिस वाला खड़ा है मुझे यहाँ से, वो पुलिस वाले इधर आ गए, वो भाग।